हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव किचन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिना गैस जलाए 5 मिनट में बनने वाला ककंबर चाट, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो ये बहुत बहुत ही टेस्टी है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं ताजी 2 ककंबर ले लिया है, इसे खीरा भी बोलते हैं। तो ककंबर को अच्छे से वॉश कर लिया है, इसे अच्छे से धुल लिया है। इसे हम पील कर लेंगे, यानी इसके छिलके निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ककंबर को पील कर लिया है, इसके छिलके जो है निकाल लिया है। तो इस तरीके से ककंबर को पील कर लेना है। ये जो ककंबर है ना खीरा, इसके जो चटपटी चाट बनता है बहुत ही टेस्टी लगता है। तो कोई भी आपके घर मेहमान आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए, आप इस तरीके से इस चाट को बनाकर खिला सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप एक बार जरूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो आप देख सकते हैं ककंबर को अच्छे से छील लिया है। तो ये लीजिए, खीरे को अच्छे से छील कर लिया है, इसके छिलके जो है निकाल लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। तो पहले हम दोनों साइड से ये निकाल लेंगे इस तरीके से। अब हमें इसे बीच से 2 भाग में कट करना है इस तरीके से। इस तरीके से कट करना है, आप देख सकते हैं। तो दोनों खीरे को हम कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं खीरे को 2 भाग में कट कर लिया है। तो अब क्या करना है, हमें जो इसका बीज है ये हमें निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं खीरे को 2 भाग में कट कर लिया है। तो इसका जो बीज है ये बीज हमें निकालना है, तो इसके हम रिमूव करेंगे। तो कैसे करना है ये आप देख सकते हैं। तो पहले हम चाकू से इस तरीके से कट लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कट लगा लिया है। तो अब हमें बीज को कैसे रिमूव करना है, इस तरीके से पहले स्पून से हम इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। इसे भी आप निकाल सकते हैं। ये जो बीज है ये भी हमारे टॉपिंग में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से इसका जो बीज है रिमूव हो गया। तो इसी तरीके से सारे खीरे को जो बीज है हम रिमूव कर लेंगे। और जो ये बीज है ये भी हमें स्टफिंग में काम आ जाएगा। ये जो चाट है नॉर्मली चाट नहीं है, ये चाट बहुत ही टेस्टी है। आप कोई भी पार्टी में या घर पे कोई गेस्ट आ जाए तो आप इस चाट को सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है और देखने में ये सुपर सुंदर। तो आप एक बार जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से इसका जो बीज है रिमूव हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये लीजिए खीरा हमारा तैयार है। और जो ये बीज है इसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे स्टफिंग में यूज कर लेंगे। तो ये लीजिए खीरा हमारा तैयार है। तो आप देख सकते हैं देखने में ये कितना बढ़िया दिख रहा है बॉल की शेप में। चलिए अब इसके लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पर एक बॉल ले लिया है। अब इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ प्याज, एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे 1 टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है, ये भी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे स्वीट कॉर्न, तो इसे उबाल लिया है, उबाल करके ठंडा कर लिया है। और ये 1/2 कैप्सिकम का पीस है, इसे भी बारीक चॉप कर लिया है, ये भी डाल देंगे। और इसमें थोड़ी सी टूटी फूटी डाल देंगे, जो देखने में बहुत अच्छा दिखता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, ये बच्चे को बहुत पसंद होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो इसमें डाल रही हूँ वही आपको भी डालना है, आपके पास जो पसंद है और आपके पास जो है वो वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं, जो नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी पनीर को बारीक चॉप कर लिया है, तो ये भी डाल देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिया है रोस्टेड पीनट, ये भी डाल देंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, काली मिर्च पाउडर, ये भी स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें चाट मसाला डाल देंगे, में डालेंगे 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। आपको तीखा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 लेमन जूस, यहाँ पर 1 लेमन जूस को निकाल लिया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तब सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपको मुंह में पानी आ रहा है तो जल्दी से लाइक शेयर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं। तो अगर आपको मुंह में पानी आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आप देख सकते हैं आपको देखने से ये चाट कितनी टेस्टी दिख रहा है, खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार जरूर ट्राई करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि ये चाट कितनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर आप स्टॉपिंग करके हम दिखाएंगे आपको।
इस तरीके से स्टफिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको स्टफिंग कर लेना है इसी तरीके से, इसीलिए हमने बोर्ड शेप में इसे बनाया है। तो इस तरीके से स्टफिंग करेंगे, तो जितनी अच्छी आपको दिखने में लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। इस तरीके से हमें स्टफिंग को इसके अंदर डाल देना है, देख सकते हैं। और थोड़ी सी इसके ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो ये लीजिए, बहुत ही शानदार और टेस्टी हमारा चाट बनकर तैयार है। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएंगे। और बनाना तो इससे बहुत ही आसान है, आप 5 मिनट में इसे बना करके तैयार कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए और इंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी और शानदार हमारा झटपट बनने वाला चाट बनकर तैयार है। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएंगे। तो आप भी बनाइए और एंजॉय करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए इसके लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और ये टेस्टी चाट अकेले ही एंजॉय ना करें, अपने फैमिली दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लुत्फ उठा सके। वीडियो दिखेगा तो उसे भी आप क्लिक करके जल्दी आसानी से बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद जय भारत।